रात का समय था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और इसी अंधेरे में जगन और मगन बेतहाशा भागे जा रहे थे ताकि पीछे से सोहनलाल या उसका कोई आदमी आकर उन्हें पकड़ ना ले। अंधेरा तो था ही, जगन और मगन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वे दौड़ते दौड़ते एक तेज बहती हुई नहर में जा गिरे। अब तो वे घबराए, पानी से बाहर निकलने के लिए हाथ पैर फैलाने लगे। चारों ओर निर्जन इलाका था, अतः सहायता मिलने की भी कोई आशा न थी और न ही उन्हें तैरना आता था। कागज की नाव की तरह दोनों पानी में बहने लगे। सुबह होते होते वे बहुत दूर निकल गए पर उन्हें होश नहीं आया। वे दोनों बेहोश हो गए थे। एक जगह पानी का बहाव कुछ कम था, वहां कुछ मछुआरे नाव लेकर मछलियां पकड़ रहे थे। जगन और मगन को लाश की तरह तैरते देख उनके मन में कर्तव्य की भावना जाग पड़ी। जगन और मगन को पानी से बाहर निकालने के लिए उन्होंने नाव तेजी से चलाना प्रारंभ कर दिया। कई मछुआरे थे, उन्होंने शीघ्र ही जगन और मगन को पानी से निकालकर नाव पर उठा लिया। जगन और मगन जीवित थे, उनकी नाड़ी मंद मंद गति से चल ही रही थी, अतः मछुआरे जल्दी से नाव को किनारे लगाए, फिर दोनों को उल्टा करके पेट का पानी निकालना शुरू किया। जब उनके पेट से बहुत सा पानी निकल चुका तो उनकी नाड़ी की गति तेज हो गई। मछुआरे अपनी इस सफलता पर बहुत खुशी हुए, जगन और मगन को अपने गांव ले गए। जगन और मगन की तबीयत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, उन्हें केवल कुछ कुछ होश आने लगा था। जब उन्होंने आंखें खोली तो अपने को झोपड़ी में लेटा देखकर ताजुब करने लगे। तभी एकाएक उन्हें नहर में गिर जाने की घटना याद हो आई। जगन को अंटी में बंधे सोने का ख्याल आया तो उसने अंटी को टटोला, पर यह क्या, अंटी से सोना गायब था। जगन बार बार अंटी को टटोलने लगा, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि सोना गया तो गया कहाँ। वहाँ और भी लोग उनकी देखभाल के लिए बैठे थे। जगन को चिंतित देख उन्होंने पूछा, क्या हुआ भाई, क्या ढूंढ रहे हो? मेरा शो, इतना ही कह पाया था और इसके आगे वह पूरी बात कहते कहते रुक गया। लोगों ने जिज्ञासावश उसके चेहरे की तरफ देखा पर वह कुछ नहीं बोला। उसने अपनी आंखें मूंद ली। दो तीन दिन बाद जगन और मगन की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई। अब वे बिना किसी तकलीफ के कहीं भी आ जा सकते थे। जिस झोपड़ी में जगन और मगन ठहरे हुए थे उसका मालिक बड़ा अच्छा आदमी था। उसने उन दोनों से कुछ दिन के लिए आतिथ्य स्वीकार करने के पश्चात जाने का अनुरोध किया। गांव वाले और उस व्यक्ति के प्रयास से ही जगन और मगन की जान बच पाई थी, इसलिए उन्होंने उस व्यक्ति का मेहमान होना स्वीकार कर लिया। पर जगन और मगन को खुशी न थी, सोने के खो जाने का दुख उन्हें बार बार सता रहा था। यह एक ऐसा दुख था जिसे वे किसी के सामने प्रकट करना चाह कर भी नहीं कर पा रहे थे। वे दोनों अपना अधिकतर समय नहर के किनारे बैठकर व्यतीत करते थे। इसी तरह जब वे बैठे थे तो मगन ने कहा, मित्र, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब हम बेहोश थे तभी किसी ने तुम्हारी अंटी से सोना निकाल लिया। अपना तो भाग्य ही खोटा है, वरना सोहनलाल को ही हमारी बात का पता क्यों चलता। जगन ने उसकी शंका दूर करते हुए कहा, देखो, गांव वालों पर संदेह करना गलत है। यहाँ के लोग बड़े दयालु एवं परोपकारी हैं। यदि ये लोग जरा भी लापरवाही दिखाते तो आज हम स्वर्ग धाम में होते। खैर, तुम्हारे बात सही है, लेकिन भविष्य में हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, मगन ने चिंतित होकर कहा। जगन ने कुछ देर सोचा फिर बोला,
करना क्या है, सोने की खेती। यहाँ से चलकर किसी शहर में पहुँचेंगे, मेहनत मजूरी करके सोना खरीदेंगे। मगन ने इस बात की स्वीकृति पर सिर हिला दिया। कई दिन जब बीत गए तो जगन और मगन ने गृह स्वामी से चलने की इजाज़त मांगी। गृह स्वामी ने इजाज़त तो दे दी, पर उसने कहा, आप लोग यहाँ से जा तो रहे हैं, पर आपके चेहरे से यह प्रकट हो रहा है कि आप प्रसन्न नहीं हैं। आप दोनों के दिल में कोई दुख है, कृपया बताइए क्या बात है, क्या हमारी सेवा में कोई कमी रह गई है। जगन और मगन आनाकानी करके बात को टालने का प्रयत्न करते रहे, पर गृह स्वामी न माना। वह जगन और मगन के दुख का कारण जानने के लिए जीत पर अड़ गया। आखिर विवश होकर जगन को सोना खो जाने की बात कहनी पड़ी, जिसे सुनकर गृह स्वामी ने बड़ा अफसोस प्रकट किया। दो परदेशी उसके गांव से दुखी होकर जाएं, इस बात को वह कैसे सहन करता। उसके पास रुपये थे, वह सोना खरीदने लायक रुपये जगन को देने लगा तो जगन ने लेना ना चाहा, पर जब गृह स्वामी ने जोर दिया तो जगन ने रुपया ले लिया। गृह स्वामी ने फिर उन दोनों को विदा कर दिया। जगन और मगन प्रसन्न मन से बाहर की तरफ चल दिए। चलते चलते जब वे एक शहर में आए तो शाम ढल चुकी थी, अतः इस समय सोना खरीदना उचित नहीं है, ऐसा समझकर उन्होंने खाने पीने का सामान खरीदा। फिर एक धर्मशाला में पहुँचे। खाना खाकर विश्राम के लिए वे धर्मशाला के ही एक कमरे में लेट गए। सुबह होने पर वे उठे, मुंह हाथ धोया। जब बाजार में दुकानें खुलनी शुरू हो गई तो वे सोना खरीदने चल दिए। इस शहर का प्रत्येक दुकानदार ईमानदार था, चाहे सर्राफ हो या परचुनिया, हलवाई हो या बिसाती, वे किसी को ठगना जानते ही न थे। जगन और मगन शहर के प्रत्येक सर्राफ के पास हो आए, पर पहले शहर में खरीदे हुए सोना जैसा सोना यहाँ नहीं मिला। इससे उनका उत्साह कुछ ठंडा पड़ गया। वे रुपये को संग रखे कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते थे, अतः मजबूर होकर एक सर्राफ के यहाँ से सोना खरीद लिया। मगन ने सुझाव दिया, दोस्त सोना तो खरीद लिया, पर अब किसी ऐसे स्थान में इसे बोएंगे जहाँ लोग नहीं होंगे, वरना बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। यह बात तुमने बिल्कुल ठीक कही, अब हम न तो किसी गांव में ही जाएंगे और न ही किसी का खेत किराए पर लेंगे। इस बार सोने को किसी ऐसे स्थान में बोएंगे जहां हमारे सिवा कोई न होगा। जगन ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, अब तो जगन और मगन निर्जन स्थान की खोज में चल दिए। खोजते खोजते वे दोनों बस्ती से बहुत दूर निकल आए। यहाँ उन्हें एक जगह पसंद आई जो नदी किनारे स्थित था, पर था डरावना इलाका, चारों ओर घने पेड़ थे। मगन को डर लगने लगा तो वह बोला, यार इस वीरान जंगल में तो मुझे डर लग रहा है, यहाँ हम कैसे खेती करेंगे और कहाँ रहेंगे। जगन फिर भी साहसी था, उसने मगन को हिम्मत दिलाते हुए कहा, डरते क्यों हो, रहने के लिए इसी जगह एक झोपड़ी बना लेंगे, झोपड़ी में रहेंगे और सोने की खेती करेंगे, और कौन सी हमें यहाँ जिंदगी काटनी है, सोना पैदा हुआ नहीं कि हम यहाँ से चल देंगे। मगन के दिल में अब कुछ हिम्मत बंधी, रहने की व्यवस्था पहले होनी चाहिए। ऐसा विचार करते हुए जगन और मगन एक साफ सुथरी और अच्छी सी जगह देखकर झोपड़ी बनाने की तैयारी में जुट गए। जैसे तैसे उन्होंने शाम होने तक एक झोपड़ी खड़ी कर ली। उनके पास भोजन का कोई प्रबंध नहीं था, अतः पास में बहती हुई नदी का पानी पीकर वे सो गए। रात को जब उन्हें जंगली जानवरों की बोली सुनाई देने लगी तो मारे डर के उनका बुरा हाल था। मगन ने भयभीत होकर कहा, यार किस चक्कर में आप फंसे, यहाँ तो जंगली जानवरों का राज्य प्रतीत होता है,
ऐसे में यहाँ रहना मुश्किल है। तुम तो बेकार में डरने लगे हो। भाई यह जंगल है जंगल, जैसे हमें इनसे डर लगता है वैसे इन्हें भी हमसे डर लगता है। दिन में इन्हें निकलने का साहस नहीं मिलता है। अब भोजन आदि के लिए निकले हैं, इसलिए नहीं डरना चाहिए, जगन बोला। मगन ने कुछ जवाब नहीं दिया, पर उसके दिल से जानवरों का भय दूर नहीं हुआ। किसी तरह रात गुजरी, दिन निकला, चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देने लगी। जगन और मगन झोपड़ी से बाहर निकले। जगन के दिल में जंगली जानवरों को लेकर भय की कोई बात नहीं थी, पर मगन सहमा सहमा था। अब आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए एल्डर फनी किंग और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।